ऑल स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट आपकी सेकंड है, टॉपिक आपका समूह निर्देशन की विधियां हैं और सब टॉपिक यानी आज का लेक्चर है आपका वर्तिक वार्ता उपागम के दोष। पिछले वीडियो में हमने वर्तिक वार्ता उपागम के गुण पढ़े, गुणों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम वर्तिक वार्ता उपागम के दोष के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी विधि के गुण और दोष जरूर होते हैं। तो वर्तिक वार्ता उपागम वर्तमान समय में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। क्यों? क्योंकि यह छात्र को व्यवसाय के चयन से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करती है और छात्र के करियर को एक सेटअप करती है। तो उसी प्रकार से वर्तिक वार्ता उपागम जब वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, उसके साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं। यानी कि ये उपयोगी तो है लेकिन फिर भी इसमें कुछ दोष है, उन दोषों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है समस्याओं को कहने में संकोच। फर्स्ट है समस्याओं को कहने में संकोच, यानी वर्तिक वार्ता में छात्र अपनी समस्याओं को कहने में संकोच करते हैं। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम में जब विशेषज्ञों के द्वारा वार्ता का आयोजन किया जाता है तो छात्र अपनी समस्याओं को उन वार्ताकारों के सामने, उन विशेषज्ञों के सामने कहने में संकोच का अनुभव करते हैं। यानी कि वो अपनी समस्या को बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, जिससे समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाता है। और छात्र अपनी समस्या को विशेषज्ञ के सामने बोलने से शर्माते हैं या घबराते हैं। नेक्स्ट है सेकंड है विशेषज्ञों की रुचि का प्रदर्शन नहीं। सेकंड है विशेषज्ञों की रुचि का प्रदर्शन नहीं। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम के लिए विशेषज्ञ अपनी रुचि का प्रदर्शन नहीं करते। वर्तिक वार्ता उपागम के लिए विद्वान विशेषज्ञ अपनी रुचि का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको उसी योग्यता तथा उसी स्तर के छात्रों के लिए वर्तिक वार्ता के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करना होता है जिस स्तर के छात्रों की योग्यता है। इसलिए विद्वान विशेषज्ञों को अपनी रुचि का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी रुचि का प्रदर्शन करने का उनको मौका नहीं मिलता। किनको? विशेषज्ञों को। यानी कि विशेषज्ञों को अपनी रुचि का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुसार ही अपने विचारों को वार्ता के आयोजन में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वार्ता में भाग लेने के लिए वे अधिक धन की मांग करते हैं, अधिक रुपयों की मांग करते हैं। इसलिए विशेषज्ञ अपने स्वयं की रुचि का भी प्रदर्शन नहीं करते। नेक्स्ट है थर्ड है अधिक धन एवं समय की आवश्यकता। वर्तिक वार्ता उपागम में अधिक धन एवं समय की आवश्यकता होती है, जो वर्तिक वार्ता उपागम का बहुत बड़ा दोष है। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम में अधिक धन यानी अधिक रुपयों की साथ में समय की आवश्यकता होती है। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम जिस योग्यता के छात्रों के लिए आयोजन किया गया है, वो विशेषज्ञ विद्वान अधिक धन की डिमांड करते हैं, साथ में उसमें समय भी बहुत लगता है। और जो धन और समय की आवश्यकता अधिक होती है, यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम में धन एवं समय की आवश्यकता अधिक होती है, जो प्रत्येक छात्र अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन रुपयों की पूर्ति पूरी नहीं कर सकता। यानी कि वार्ता के लिए जो डिमांड होती है,
डिमांड की जाती है या जो भी फंड वार्ता के लिए मांगा जाता है वो छात्र पे नहीं कर पाता है, इसलिए अधिक धन एवं समय की आवश्यकता के कारण भी ये सबसे बड़ा इसका दोष है। नेक्स्ट है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। फोर्थ है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। वार्तिक वार्ता उपागम के माध्यम से छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। यानी कि वार्तिक वार्ता उपागम में छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करता है। किस प्रकार से? क्यों वार्तिक वार्ता के आयोजन में छात्र केवल विशेषज्ञ विद्वान के विचारों को ही सुनता है, विशेषज्ञ विद्वान के विचारों को सुनकर ही सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है, उसके व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि उसको उस समय व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति न होने के कारण भी वार्तिक वार्ता उपागम का ये सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट है फिफ्थ है छात्र मूक श्रोता की भांति। वार्तिक वार्ता उपागम में छात्र मूक श्रोता की भांति होता है। यानी कि वार्तिक वार्ता उपागम के आयोजन में छात्र केवल विद्वान विशेषज्ञ के विचारों को मूक श्रोता बनकर सुनता रहता है। विद्वानों के विचारों को मूक श्रोता बनकर सुनता रहता है और वह अपनी समस्याओं को कहने में संकोच करता है। साथ में जो वार्ता में शामिल होते हैं, यानी कि जो छात्र वार्ता में शामिल होते हैं, वे सभी छात्र पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं होते। साथ में छात्र मूक श्रोता की भांति तो विद्वान विशेषज्ञ के विचारों को सुनते हैं, साथ में छात्र क्रियाशील भी नहीं होते। क्यों क्रियाशील नहीं होते? क्योंकि जो छात्र उन वार्ताओं में शामिल होते हैं वे सभी छात्र पूर्ण रूप से उन विचारों को नहीं सुनते हैं, पूर्ण रूप से उन विचारों को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए छात्र पूर्ण रूप से क्रियाशील भी नहीं होते हैं। तो ये छात्र मूक श्रोता की भांति होकर तथा क्रियाशील न होकर विद्वान विशेषज्ञ के विचारों को सुनने में रुचि न लेकर मूक श्रोता की भांति विद्वान विशेषज्ञ के विचारों को सुनते हैं। तो ऐसे में वार्तिक वार्ता उपागम का ये बहुत बड़ा दोष है। ये वार्तिक वार्ता उपागम के 1 से 5th दोष कंप्लीट हुए। नमस्कार, धन्यवाद।